देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ राजनीतिक और मनोरंजन की सारी खबरें देखिए सिर्फ खटपट न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। खटपट न्यूज, खबरें थोड़ा हटके। दुर्ग जिले के पुलगांव बाईपास स्थित शिवनाथ नदी के पुराने पुल से पिकअप वाहन के नदी में गिरने से चार लोगों की मौत हो गई। मंगलवार देर रात सभी ढाबा से खाना खाकर लौट रहे थे, तभी बैलेंस बिगड़ने से हादसा हो गया। SDRF ने वाहन को नदी से बाहर निकाल लिया है। चालक की पहचान बोरसी क्षेत्र के सतरौद गांव के रहने वाले ललित साहू के रूप में हुई है। गाड़ी में एक महिला और दो बच्चों के शव भी मिले हैं, जिनकी पहचान नहीं हो पाई। ललित के पिता के मुताबिक उसकी पत्नी और दो बच्चे उसके घर पे हैं। पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। SDRF की टीम ने सुबह करीब 8 बजे ही पिकअप को खोज निकाला था। ट्रैक्टर के जरिए खींचने की बार बार रस्सी टूट जा रही थी, इससे पिकअप फिर पानी में चली गई। घंटों मशक्कत के बाद क्रेन के जरिए वाहन को बाहर निकाला गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही विधायक अरुण वोरा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने इस दुर्घटना के लिए पुलिस और प्रशासन को जिम्मेदार बताया है। उनके मुताबिक विधायक निधि से यहां पर CCTV कैमरे लगाने के लिए 1.5 करोड़ के बजट की स्वीकृति दी गई, बावजूद इसके अब तक कैमरे नहीं लगाए गए हैं।